हुड़ हुड़ दबंग 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 मैं ऐसा स्टार्ट कर सकती थी गाइस, लेकिन नहीं, डर का माहौल है गाइस, इसीलिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस सलमान खान ने अब तक ऑन स्क्रीन पता नहीं कितने ही हीरोबाजी वाली फिल्में करी हैं जो देख के बहुत मजा आता है। कभी दबंग, कभी एक था टाइगर, कभी केक, कभी वांटेड। भाई तो रियल में वांटेड हो गए गाइस। लेकिन बहुत सारी प्यारी प्यारी फिल्में भी करी हैं, जैसे कि तेरे नाम, बॉडीगार्ड, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, ये नहीं करना था लेकिन। और लॉरेंस बिश्नोई, इन्होंने तो अपने नाम को मतलब बहुत सीरियसली ले लिया है गाइस। लॉरेंस जी ने लॉ ही हाथ में ले लिया है। इन्होंने पढ़ाई लॉ से करी है ना, तो जब कॉलेज से सर्टिफिकेट मिला होगा तब हाथ में सर्टिफिकेट लिया तो होगा ना। बाकी सब साइड रखो गाइस, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई हैंडसम तो है यार ये मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। नाउ यू नो माई टाइप गाइस, मजाक कर रही हूँ, नहीं मजाक नहीं कर रही हूँ, ही इज हैंडसम गाइस। देखो मैटर तो सीरियस है गाइस, लेकिन ना मेरी बचपन से एक ही खराब आदत है कि मैं हमेशा पता नहीं क्यों सीरियस सिचुएशंस में ही हंस देती हूँ। अब देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को इस सिचुएशन की भार नहीं समझ में आ रही है, मेरे को आ रही है तो अंदो। लेकिन मेरा इस सिचुएशन में बोलना जरूरी भी है गाइस, क्योंकि जहाँ समस्या बड़ी होती है वहीं सलोनी आपा खड़ी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या मेरी वजह से है, मैं तो बस समस्या का समाधान भी नहीं निकाल पाती गाइस। पहले वीडियो देखो मेरा क्या है गाइस कि मैं इन सब पचोड़ में पड़ती ही नहीं हूँ, लेकिन देखती तो हूँ। तो आओ देखते है कि लोग क्या बोल रहे हैं इस बारे में। गर्ल्स, इट्स बीन 20 इयर्स, लेट्स फॉरगेट द एनिमिटी एंड मूव ऑन। बॉयज, एक दुनिया में एक ही समाज है, बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती। गाइस तुम लोग मेरे जैसे ही भोले हो, तुमको पता नहीं होगा इसलिए मैं बता दूं कि ये AI नहीं है, ये रियल है, रियल RIYAL। ये विवेक भैया ने भाई आग में घी डालने वाला काम किया है। लेकिन ये देखो बहुत सारे भोले लोगों को ये भी लगता होगा कि सलमान खान ने विवेक ओबरॉय का करियर पूरा खत्म खलास कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। विवेक ओबरॉय इज इनटू रियल एस्टेट और वहाँ पे ना ये सबसे ज्यादा पैसा होता है, तो उनका दुबई में ऐसा फ्लैट वैट का कुछ काम वाम है। इंडिया के नंबर वन आर्किटेक्ट, ही हैज गॉट बैग्स फुल ऑफ मनी। ठीक है, वही मैं सोच रही इतने दिन से कि लॉरेंस बिश्नोई के कंधे के ऊपर कोई तो बंदूक रख के चला रहा है। मेरे अंदर से ऐसा आ रहा था कि he is funded by someone। क्या मतलब वो someone विवेक ओबरॉय है गाइस? मतलब कोई इतना सब कुछ कर रहा है, इतना सब कुछ जेल में बैठे बैठे, और आप लोगों को लगेगा कि ये अपने आप ही कर रहा है, बिना पैसों के ये सारी चीजें तो होती नहीं है, सब चीज में आजकल पैसे लगते हैं। तो मतलब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। बाकी लॉरेंस जी, एक महिला ने यहाँ पे कमेंट किया है, नहीं सॉरी औरत, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट द हेल हैपेंड इफ अ हिरन डाइड इन एन एक्सीडेंट। वाओ, ये तो वही वाला हो गया कि अरे एक आदमी तो ऐसे भी मर सकता है, हार्ट अटैक आना ही है, इसको गोली मार दो इससे अच्छा। क्या लॉजिक है भाई इसका। आई लाइक सलमान खान एटीट्यूड टू, लेकिन ये जो चीज है ये गलत है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। बाकी लॉरेंस जी भी थोड़ी सी गलती तो कर रहे हैं। लॉरेंस जी प्लीज देख लीजिए, अगर कुछ ले दे के हो जाए तो मतलब दे देंगे आपको सलमान भाई ही। तो मुझे पता चला कि आपने उनसे 5 करोड़ रुपए भी मांगे, वो आप मेरे को पता है वो आपने नहीं मांगा है, आपके ग्रुप का कोई होगा हो, या फिर हू नोस गाइस, हू नोस किसने मैसेज किया है, क्या किया है, मैसेज किया भी है कि नहीं किया है। लेकिन अब मुझे पता चला कि लोग क्यों इतना घिस घिस के इतने साल अपने लाइफ का दे के और फिर पॉलिटिक्स में जाने का सोचते हैं, क्योंकि पैसे तो है देखो इसमें। अभी तुमको कैसे पता कि मैंने 5 करोड़ रुपए मांगे नहीं मांगे, मैंने मैसेज किया नहीं किया, पता नहीं किसी और ने मैसेज किया हो ऐसा बता रहा हो, तुमको कैसे पता। मेरा डिसाइडेड है गाइस, मैं भी आगे जाके पॉलिटिक्स में नहीं, मुझे तो बस लॉरेंस जी की बीवी बनना है। और लॉरेंस का तो ठीक भाई, सुपर हैंडसम, सुपर यंग, कुछ भी हो जाएगा आगे जाके, लेकिन सलमान भाई तो अभी भी कुंवारे रह गए यार। भाई की अब तक शादी भी नहीं हुई है, और जो उनकी लाइफ में आई वो भाई को यूज करके ही चली गई, क्योंकि वो जिंदगी से कुछ चाहते थे, मैं कुछ और। खैर
यार अगर आपको भी सिंगल नहीं मरना है तो प्लीज ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा रियल लाइफ में डेटिंग का मजा। अब देखो ऐसा तो बहुत होता होगा कि तुम किसी कैफे में गए, जिम में गए, मॉल में गए, बुक स्टोर में गए और वहाँ कोई सुंदर चेहरा देखते ही तुम धूम के उदय चोपड़ा बन जाते हो गाइस। लेकिन फिर भाई वो अपने घर तुम अपने, उदय चोपड़ा के पास हैपन तो था नहीं लेकिन आपके पास है, इसीलिए हैपन डाउनलोड करो। क्योंकि पहली बार में नंबर मांग लेना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब जानना जरूरी है गाइस, सुंदर चेहरे का मन भी सुंदर है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, या फिर तुम्हारा वो क्या बोलते हो वाइब मैच होनी चाहिए, फेवरेट्स और हॉबीज भी सेम हुए तो सोने पे सुहागा, और ये सब तुमको हैपन डाउनलोड करके पता चल जाएगा। हैपन बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है और ये आपकी सेफ्टी को भी सीरियसली लेते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल को वेरीफाई कर लेना ताकि आपको मिलने वाले लोग भी वेरीफाइड ही मिले, और डरो मत ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन कभी भी रिवील नहीं करता, तो आपकी प्राइवेसी बिल्कुल सेफ है। हैपन पे एक और कूल फीचर है गाइस, रेडी टू डेट, मतलब जब आप किसी को पसंद करते हो तब आप ये वाला बटन ऑन कर दो, अगर सामने वाले ने भी ये वाला बटन ऑन किया तो आप दोनों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा दैट यू आर रेडी टू डेट, रिजेक्शन का डर ही खत्म। अब मैं तुमको बताती हूँ कि वाइब मैच होने वाला इंसान कैसे ढूंढते हैं। अब देखो सबसे पहला स्टेप कि आपकी और उसकी हॉबी सेम होनी चाहिए, आदतें सेम मतलब, या फिर दूसरी ये कि तुम जिसमें खराब हो वो उसमें अच्छा हो, तभी तो यू विल कंप्लीट ईच अदर ना। बात तो सही है। तो इसके लिए आप हैपन पे उनका नया फीचर जो कि हॉबीज है उसको भी फिल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ शोकेस किया है, सामने वाले के हॉबीज भी आप देख सकते हो। गाइस हॉबीज वाला फीचर जरूर यूज करना ताकि आपको आपके ही इंटरेस्ट वाले लोग मिले। सो गाइस हैपन पे सिर्फ डेट नहीं बल्कि रियल कनेक्शन बनाने का भी मौका मिलता है, तो अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाओ हैपन डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, because with happen anything can happen. This is a long story there. I wasn't the one who shot the black buck. But you took the rap for it. You didn't point fingers at anyone else. There's no point. A hunting case, that case, this case, that case. Batmizi karta hai, isko mara hai. Arey, you don't even know what 1% of the truth is. Just because I cannot say things, I will not say things. But you've chosen to be silent. No, a lot of the time. Why? Yeah, because I haven't spoken about anything or anybody yet. I don't need to. And I will not. You have your own dignity, you have your own loyalties, your own priorities in life. And I choose not to speak about these, because when you're speaking about somebody else, you know, you don't have the right to speak about anybody else. I can only say this is what I feel. But if it involves somebody else, then I have no right to talk about that person. Do you believe in karma? Of course I believe in karma. And what I do wrong happens, I have to pay for it the next day. लॉरेंस जी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सलमान भाई यहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरे को याद है मैं बहुत छोटी थी तब जब ये न्यूज़ वगैरह आया था ब्लैक बक वाला, उस टाइम भी मेरे को याद है सैफ अली खान, तब्बू और एक कोई तो एक्टर थे जो कि इन्वॉल्व थे इस केस में, और उन लोग का नाम बिल्कुल ही क्लियर हो गया इस केस से, एंड ओनली सलमान खान वाज हेल्ड फॉर दिस केस। मेरे को हमेशा से ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीजें जो हुई हैं उसमें मेरे को तो खुद भी लगता है दैट सलमान खान इज गिल्टी, लेकिन इस वाले में पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लग रहा है गाइस, और ये बहुत पुराना केस है। बाकी लॉरेंस जी आप देख लीजिए, देख के तो ऐसा ही लग रहा है गाइस कि ही इज टेकिंग द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़की इन्वॉल्व हो और वो उसको ना फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर शायद तब्बू ने इंटरव्यूज में कुछ ऐसा भी बोला था कि वो किलिंग हो जाने के बाद उस स्पॉट पे पहुंची थी। आई जस्ट रियलाइज दैट आई एम हेल कंफ्यूज्ड अबाउट दिस वन टू। माफी मांग लो। किससे माफी मांगू? माफी जो है वो उससे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो, जिसको तकलीफ दी हो, ये कहना जो है ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है, मारा ही नहीं है। सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा। नहीं हमने मारा है, मैं मारती हूँ गाइस हिट लेके। ये आरोप गलत है सलमान के ऊपर। तो मैंने सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया पूछा, तो कहने मैं तो काबिल नहीं, उसको नहीं है ये शौक जानवर मारा। तो किसको है ये शौक जानवर वगैरह मारने का? क्या नहीं मतलब सैफ अली खान नवाब है तो उसको जानवर मारने का शौक हो जाएगा? नहीं यार मजाक से हटके, लेकिन मैं या तो बहुत ज्यादा दरिया दिल हूँ इसीलिए शायद, बट मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी सिचुएशन में पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, अगर वो हो जाते हैं और कुछ बोलते हैं तो उनकी बात मान लो, ऐसा वाला होता है। बाकी लॉरेंस जी आप देख लीजिए। हाल फिलहाल
फिलहाल में ऐसा मीम्स बहुत सारा देखा जिसमें लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा डुप्लीकेट्स अजय देवगन के हैं, लेकिन नहीं, मेरे को रियल में ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा डुप्लीकेट सलमान खान के हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पास उतने शूटर्स नहीं होंगे जितने सलमान खान के डुप्लीकेट्स हैं भाई, और सलमान भाई तो सिक्योरिटी रख भी ले, ये बेचारे क्या करेंगे। आई विल सजेस्ट घर पे बैठो और ये सब चुतिया मचाना बंद करो कुछ दिन के लिए, ठीक है, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। बाकी ऑनेस्टली ये पूरे वीडियो में एक ही सीरियस लाइन में अभी बोलने जा रही हूँ, मेरे को सच में ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं होने वाला है किसी के साथ भी, मेरे को लगता है सिर्फ माहौल गर्म करने वाली चीज हो रही है, इधर से न्यूज, उधर से धमकी, इधर से मैसेज, उधर से सिक्योरिटी, किसी के साथ कुछ ना हो तो ही बेस्ट है, और मेरे को लग भी रहा है ऐसा कि किसी के साथ कुछ नहीं होगा। दैट इज वाई आई कांट बी सीरियस ऑन दिस टॉपिक। फीलिंग से कोई रिश्ता आपका इस घर में होना ही नहीं चाहिए, जैसे कि आज की मेरी ये फीलिंग है कि मुझे आज यहाँ पर आना ही नहीं था। एक आदमी को जो करना पड़ता है उसे करना पड़ता। सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि मैं तो घर पे बैठ के वीडियो बना दूंगी और तुम देख लोगे हंसी हंसी खुशी में, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है गाइस, कोई बात नहीं, वीडियो भी लाइक कर दोगे कर दो okay. लेकिन सलमान खान का क्या है कि एक तो ऐसे ही पूरा घर परिवार डरा हुआ है, ऊपर से ऐसा शूट करने जाना पड़ रहा होगा बिग बॉस, तो अलग ही, मतलब मैं तो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकती क्या फीलिंग आती होगी, सिर्फ हनी सिंह समझ सकता है इनकी फीलिंग। आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। ये तो गलतियां तो यार कसम खुदा की यार, व्हाट ऑल आई एम गोइंग थ्रू इन माय लाइफ एंड आई हैव टू कम एंड हैंडल दिस। अयो ही एक्चुअली लुक्स एग्जॉस्टेड भाई, ऊपर से अब तो एज हो गई है यार, एक तो काम ऊपर से ऐसा टेंशन टू मच। देख लीजिए लॉरेंस जी, अगर कुछ ले दे के सॉल्व किया जा सकता है तो दे देंगे सलमान भाई आपको, बट काम डाउन प्लीज बेबी। सेफेस्ट गाइज इन इंडिया राइट नाउ, सेफेस्ट का तो नहीं पता लेकिन हैप्पीएस्ट गाइज इन इंडिया राइट नाउ यही दोनों हैं। अभिषेक ने भी मैंने सुना अभी नया ताजा ताजा डाइवोर्स लिया है ऐश्वर्या से, अंदरूनी बात है गाइज जो कि सिर्फ अंदर के लोगों को पता चलेगी, जैसे मुझे पता है। क्या तुम्हारी मम्मी को भी पता है? मुझे भी मेरी मम्मी ने ही बताया था। और विवेक ओबरॉय तो वैसे ही बहुत छाप रहा है यार, वो कब खुश नहीं था, वो सिर्फ तुम लोगों को ऐसा लगा कि खुश नहीं है बट था, वो बहुत खुश था, अभी भी है, अब तो डबल। जब ये पानी का पानी पड़ा तो हमारे इधर एक बर्फ पड़ा है, वो सॉफ्ट हो गया तो भाग के उसकी घटने पा गया, फिर मेरे से बार बार पूछने लग गया, मैंने भाई तू क्यों पूछ रहे इतना, तेरा कौन लगता है भाई? बोले भाई मेरे बेटे को दूसरी जिंदगी देने वाला आदमी है वो, मैंने इसको ऐसा क्या कर दिया भाई? बोले मेरे बेटे को हमने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया। ये द्वारा मुंबई की रोडों पे करोड़ों भूखे बच्चे हैं जो खाना खाते हैं, जिनकी वजह से पेट पलते हैं, उनकी भींग वुमेन जो एक संस्था चल रही है जिसमें करोड़ों लोग वो हर महीने करोड़ों बच्चों को खाना खिलाते हैं, कितने आश्रम चल रहे हैं उनके पैसों से, कितनी संस्थाएं चल उनके पैसे चल रहा है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अगर सलमान भाई से कोई भी ऐसी गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ, मुझे कुछ कर लो, अगर उनकी जान लेने की बदले मेरी जान अगर ले सकते हो तो मेरी जान ले लो, लेकिन उनकी कुछ मत करो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैंने भी अभी तक सलमान खान पे बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं मेरे सेकंड चैनल पे, रेक्सी के चैनल पे। जब मैंने वीडियोज बनाना शुरू किया उसके पहले आई नेवर लाइक्ड सलमान खान, मैंने वीडियो इसीलिए ही बनाया कि पीपल लाइक हिम, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जब मैंने जेन्युइनली वीडियोज देखना स्टार्ट किया ना तब मेरे को समझ में आया कि ही इज नॉट दैट बैड। हाँ तुम बोल लो कि बीन ह्यूमन दिखावे के लिए है या फिर वो सारा अच्छा काम दिखावे के लिए ही करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए भी कितने लोग करते हैं, सिर्फ 1, 2, 50, 100 वीडियोस नहीं मिलेंगे तुमको, हजारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट पे, अलग अलग स्टोरीज, रियल पीपल जो ये सब कहानियां बता रहे हैं, और तुम किसी को दान दे सकते हो तो उसके लिए ऐसा थोड़ी कि तुम फील भी करने लगो बुरा या अच्छा। आई हैव सीन सलमान खान क्राई फॉर दोज पीपल टू, तो मेरे को लगता है यार कहीं ना कहीं कि ही इज नॉट दैट फेक, और अगर वो सच में किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल अपने गले मोल ली है, एंड इफ ही डिड इट तो उन्होंने खुद ही बोला एक वीडियो में कर्मा, भाई की चिंता मुझे अंदर ही अंदर सताए जा रही है। बहुत ज्यादा
ज्यादा सता रही है गाइस, क्योंकि इस बेचारे से एक जगह बैठा नहीं जा रहा है। इसके शरीर में इतनी हलचल हलचल मच रही है कि इसको नाच के वीडियो बना के डालना पड़ रहा है। चिंता तुमको करनी चाहिए लेकिन खुद की, क्योंकि हेल्थ खराब हो रहा है अभी। ठीक है, जिम जाओ। और क्यूटीज तुम लोग भी अपना ख्याल रखा करो, अच्छे से खाओ पियो, मस्त मौसम का मजा उठाओ और मेरे वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो कर लो। एंड रिमेम्बर टू डाउनलोड हैपन, क्योंकि हैपन पे एनीथिंग कैन हैपन। एंड अबाउट लव, यू हैव टू टेक चांसेस एंड लेट लाइफ गाइड यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब।